नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आज हम बात कर रहे हैं 2019 राशिफल में आपकी हेल्थ पोजीशन क्या रहेगी, क्या हेल्थ में कोई स्पेसिफिक टाइम है जिसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी, या कोई ऐसा विशेष अंग है उससे रिलेटेड आपको सावधानी ज़्यादा रखनी है ताकि हेल्थ में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले वर्ष के आरंभ में जो बृहस्पति है वो राशि से 8th हाउस में है। बृहस्पति स्पेशली पेट, आंतें, एंजाइम्स और जो भी बलगम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसको कंट्रोल करने वाला ग्रह है। तो राशि से 8th पोजिशन का मतलब है सात्विक ग्रह वहाँ जाकर के वीक होते हैं, पीड़ित होते हैं। तो बृहस्पति यहाँ पर हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम देगा। राहु राशि से 4th हाउस में है। 6 मार्च 2019 तक यह राहु आपकी छाती से संबंधित, आपके मेंटल स्ट्रेस से संबंधित, बीपी ज़्यादा बढ़ सकती है, बेचैनी ज़्यादा हो सकती है, घबराहट जैसी सिचुएशन हो सकती है, और जो हार्ट से रिलेटेड ऑलरेडी पेशेंट्स हैं मेष राशि के, उन लोगों को बहुत ज़्यादा सावधानी, बहुत ज़्यादा केयरफुल सिचुएशन में रहना चाहिए। क्योंकि जब आपका पेट प्रॉब्लम करेगा, एंटेस्टाइन्स प्रॉब्लम करेगी, तब क्या होगा, उसका प्रेशर आपके हार्ट पर जाएगा, और जो ही टाइम नेगेटिव आया नहीं और वो हार्ट का प्रेशर किसी न किसी और प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान रख करके आप टाइम को पार करें। अब बृहस्पति की दृष्टि 12th हाउस पर है, 2nd हाउस पर है, और साथ ही साथ कुंडली में 4th हाउस पर है। 2nd हाउस और 12th हाउस ये दोनों आँखों के हैं। लेफ्ट आई मीन्स 12th हाउस, राइट आई मीन्स 2nd हाउस। तो बृहस्पति की दृष्टि 8th हाउस में होते हुए वहाँ पर है, इसका अर्थ है आँखों से रिलेटेड कोई न कोई डिजीज़ हो सकती है, या आईज का ऑपरेशन करवाना पड़ सकता है, कोई दुर्घटना में आँख पर चोट लग सकती है, यह आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब बृहस्पति की दृष्टि 4th हाउस पर है। 4th हाउस मदर का है। 4th हाउस भूमि, भवन और वाहन, 4th हाउस भूमि, भवन और वाहन का भी है। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है कि कोई न कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम खड़ी हो और आप स्ट्रेस में आकर के अपनी हेल्थ प्रॉब्लम कर लें, या आपकी माताजी का स्वास्थ्य प्रॉब्लम कर सकता है, बिगड़ सकता है, उससे भी आप चिंतित रह सकते हैं, उससे भी आप परेशान रह सकते हैं। मेष राशि के व्यक्ति 2019 में जहाँ पर फाइनेंशियली अनसेटिस्फाइड होंगे वहाँ हेल्थ से भी परेशानी आ सकती है, लेकिन अप्रैल के महीने में कुछ आपको रिलैक्स मिलेगा और उसके आगे जब बढ़ेंगे तो 5th नवंबर 2019 से काफ़ी सिचुएशन बेटर हो जाएगी, जिस दिन बृहस्पति बदल करके धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब राशि से 9th शनि है। 9th शनि 11th हाउस को देखता है, कुंडली में 3rd हाउस को देखता है और कुंडली में 6th हाउस को देखता है। शनि की 7th दृष्टि है कुंडली पे 3rd हाउस पे, और शनि की 10th दृष्टि है कुंडली के 6th हाउस पर। ये दोनों दृष्टियाँ नेगेटिव हैं। तो जो शनि शत्रु राशि में बैठ करके अपने भाव से, अतः 10th हाउस में शनि की मकर राशि, 11th हाउस में शनि की कुंभ राशि है, वहाँ से 12th हाउस में बैठ करके, वहाँ से पीड़ित होकर के जो वो इम्पैक्ट देगा वो छोटे भाई बहनों की हेल्थ पर दे सकता है, कंधे पर चोट दे सकता है, और साथ ही साथ आपका हाथ और या फिर 3rd हाउस कान का होता है, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, ENT जिसको बोलते हैं, ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2019 में आपको हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा केयरफुल रहना है, और मैं स्पेसिफिक आपको डेट नोट करा रहा हूँ, वो आप ज़्यादा केयरफुली नोट करें ताकि उस समय को सावधानी से पार कर सकें। फर्स्ट डेट है 21st जून से लगा करके 3rd अगस्त तक। सेकेंड है 21st सितंबर से लगा करके 27th अक्टूबर 19 तक। ये जो टाइम पीरियड है ये आपको बहुत केयरफुली पार करना है, पास करना है, ताकि आप नेगेटिविटी से बच पाएँ। और सबसे बड़ी चीज़ वो ये, सावधानी से आप दुर्घटनाओं को टाल सकते हैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसीलिए कहा जाता है। आपका 2019 बहुत अच्छा निकले, आप स्वास्थ्यमय हो, आप मंगलमय हो, आप यश का गुणगान हो, इन्हीं आशा के साथ में स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।